नमस्ते दोस्तों। कोरोना से आज दुनिया पीड़ित है। वायरस से होने वाली ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी जल्दी से फैल रही है, खासकर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी वीक है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ उपायों को अपनाकर आप कोरोना के रिस्क को कम कर सकते हैं। पहला उपाय, सप्ताह में कम से कम 2 बार बरगद के पत्ते या तुलसी की पत्ती का काढ़ा पीना है। दूसरा उपाय, आपको 5 से 6 बादाम भिगोकर उसके साथ 2 से 3 काली मिर्च का पेस्ट बनाकर हल्दी वाले दूध में डालना होगा। इसमें आप शहद भी मिला सकते हैं और दिन में 1 बार इसका सेवन करने से आप कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम। नमस्ते दोस्तों। कैंसर सेल्स की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो उसे हम कैंसर कहते हैं। अनहेल्दी डाइट, इनडिसिप्लिन लाइफ और स्ट्रेस इसके कुछ कारणों में शामिल है। कैंसर जैसी बीमारी से बचाव के लिए सुबह जल्दी उठना, जिससे आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट्स जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सके, और पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। इसका दूसरा उपाय, सीताफल या शरीफा के पत्तियों और अमरूद के पत्तियों का सेवन कम से कम 1 बार दिन में जरूर करें। दोस्तों, ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम। नमस्ते दोस्तों। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस होते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण खाना भी होता है। अब हम मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के उपाय के बारे में बात करते हैं। पहला उपाय, आपको रोजाना 1 ग्लास एशकॉर्ड जूस यानी कि सफेद पेठे का जूस का सेवन करना होगा। और जिनको जुखाम जल्दी से पकड़ लेता है, वो लोग इसमें काली मिर्च और शहद मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करने से आपका दिमाग शांत होता है और शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, अगर आप किसी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम। नमस्ते दोस्तों। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप जैसी बीमारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों कारणों से होती है। इसके अलावा किडनी का फेल होना, शुगर जैसी बीमारी भी इसके कारण बनते हैं। ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपको 200 मिलीलीटर दूध में 1 लहसुन और 12 ग्राम किशमिश को 10 मिनट तक उबाल लेना है। इसके बाद लहसुन को दूध से निकालकर इसे पी लेना है। कम से कम 3 महीने तक इसका सेवन करें। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही स्पेशल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। साथ ही शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम। नमस्ते दोस्तों। वजन का बढ़ना जैसी समस्या, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ज्यादा खाना और खाने में कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा मात्रा में लेना भी वजन को बढ़ाने के कारण है। अब हम वजन को कम करने के उपाय की बात करते हैं। इस उपाय में आपको 10 ग्राम त्रिफला को 250 मिलीलीटर पानी में रात भर भिगो देना है। फिर अगले दिन सुबह इसे उबाल लें और तब तक उबालें जब तक ये मिश्रण 100 ml ना हो जाए। पानी गुनगुना होने पर आप इसमें नींबू और शहद मिला सकते हैं और खाली पेट इसका सेवन कम से कम 3 महीने रोजाना करें। दोस्तों, अगर आप किसी स्पेशल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। साथ ही शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम।